रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि तुम ठीक होंगे। अल्लाह ताला दे फज़ल करम नाल तुसीं ठीक आ, लाइफ विद मरियम वेलकम ताडा। अल्लाह ताला दुआ है कि तुहानूं खुश रखे, आबाद रखे, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, तमाम बीमारियां तों महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ जी जी, तो अज असी चीकनी मिट्टी का पोचा लगावे मिट्टी के चूल्हे पर। तो कि लगाने तुम दिखावे, तेरे शेयर करा, मेरे चैनल में लाइक और सबसक्राइब लाजमी करो। तो वैसे भी कमेंट्स आ रहे थे कि आप ही मिट्टी का चीकनी मिट्टी का पोचा लगा के दिखाओ, तो अज असी चीकनी मिट्टी का पोचा लगा के दिखावे। तो सब तो पहले मैं इधर लै लिया चीकनी मिट्टी, तो इनू इस तरीके कुट लाँगे, इनू बारीक कर लाँगे। हाँ जी जी, तो इस तरीके मैं इनू कुट लिया, बारीक कर लिया है, तो ज़्यादा बारीक भी नहीं करना। तो इधर मैं ले लिया बाल्टी के पानी, तो ये जी चीकनी मिट्टी है इनू हम असी पा देंगे बाल्टी के पानी के इस तरीके पा देंगे। हाँ जी जी, तो इस तरीके मैं इनू मिट्टी नू पानी दे विच पा के तो इनू रख दिता। तकरीबन 5 मिनट हम असी इनू इदा पई रहन देवांगे ताकि मिट्टी जो है वह अच्छे तरीके नाल गल जाए। हाँ जी जी, तो माशाल्लाह मिट्टी साड़ी बिल्कुल गल चुकी है, तो इनू हम कर लाँगे पानी दे विच मिक्स। हाँ जी, तो इस तरीके मिट्टी जारी है इन पानी के मिक्स कर लिया, और चूल्हे के उपर मैं हल्की हल्की मिट्टी लगा ली है ताकि पोचा जो है अच्छे तरीके उपर फैल जाए। और चूल्हा जो है ये जो अग जलाई दी है ना, तो बहुत ज़्यादा ब्लैक होया इस करके मैं हल्की हल्की मिट्टी ला ली है। तो हम अभी पोचा फेलना करेंगे स्टार्ट।
हाँ जी जी तो इस तरीके मैं जो है मिट्टी ज्यादा पाई है, तो पोचा जो है मैं बहुत ज्यादा संघना बनाया है, तो इस तरीके जल्दी उतरेगा भी नहीं और जल्दी खराब भी नहीं होगा। हाँ जी जी तो माशाल्लाह पोचा हो गया साडा कंप्लीट, तो ये थी साडी आज की वीडियो, मिलांगे हम तुहाडे नाल नेक्स्ट वीडियो च। एडवांस सानू याद रखियो, लाइक और सबसक्राइब लाजमी करियो, कमेंट च मैनू दस्सियो कि मेरी आज की वीडियो कैसी बनी। अल्लाह हाफिज़।